Hello everyone. So the question here is name some traditional Indian foods made of wheat, rice, Bengal gram or their products which involve use of microbes. यहाँ पे हमें कुछ traditional Indian foods के नाम mention करने हैं जो कि wheat, rice या Bengal gram या उनके product से you know बनते हैं जहाँ पे microbes involve होते हैं. तो अगर हम wheat की बात करें तो wheat से bread जो है वो बनती है, वहीं rice से या rice flour जो होता है और यू नो राइस फ्लावर जो होता है दैट मींस चावल का आटा, उससे डोसा बनता है. वही खांडवी एक तरह की डिश होती है जो कि बंगाल ग्राम से बनाई जाती है. तो ये तीनों ही डिशेस जो है उसमें माइक्रोब्स की फर्मेंटेशन जो है वो यूज होती है. अगर हम डोसे का एग्जाम्पल लें तो उसका जो मिक्सचर बनाया जाता है उसे कुछ देर के लिए फर्मेंट करने के लिए रख दिया जाता है और वहीं पे जो माइक्रोब्स हैं वो CO2 जो है वो रिलीज करते हैं और उसका यू नो टेक्सचर जो है वो काफी फ्लफी हो जाता है. तो इस दौरान होता क्या है कि यू नो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और माइक्रोब्स की हेल्प से ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो है वो होती है. तो ये तीन डिशेस जो है जिसमें वीट, राइस और बंगाल ग्राम यूज होता है. अगर एनारोबिक फर्मेंटेशन को देखें बाय सैक्रोमाइसिस सर्वियस से, वो सर्व करता है इस पर्पस को अगर हम पर्टिकुलरली माइक्रोब को यहाँ पे मेंशन करें तो. सो दिस वाज द डिशेस दैट आर मेड फ्रॉम वीट, राइस एंड बंगाल ग्राम. होप दिस आंसर वॉज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.